सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो ऐसा फोटो एडिटिंग करने के लिए ना आप कोई भी शर्ट पहने हो या टी शर्ट पहने हो, आप तिरंगा वाला भाई फोटो एडिट वाला करना चाहते हो ना, अपने कपड़े को भाई तिरंगा कलर में करना चाहते हो ना, तो बेस्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ। काइन मतलब भाई पिक्स आर्ट जो होता है ना, उससे भाई बेस्ट एडिटिंग आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली फोटो लेना है, इफेक्ट में जाना है और BNW लिखा होगा ब्लैक एंड वाइट, आपको सिंपली उस पर चला जाना है भाई। इस पर क्लिक करके हम लोग भाई इसको पूरा फुल नहीं, इसको पूरा जीरो रखेंगे और भाई कुछ इस प्रकार का हम लोग लगेगा और जी पे क्लिक कर देंगे। जी पे नहीं, आप भाई जिस पे आप मन करें उस पे, आप जिस पे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा दिखे आप जी पे कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसके से इरेज वाले बटन पे जाइएगा और हम लोग का भाई जो ये इरेज है ना, हम लोग भाई इनवर्ट पे जाके और रेस्टोर पे आ जाएंगे। उसके बाद से हम लोग कुछ इस प्रकार से, अगर आपका वाइट शर्ट नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, अगर वाइट शर्ट नहीं है तो आप ऐसा ब्लैक एंड वाइट करेंगे जो भी कलर हो। अगर वाइट शर्ट होता है तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बस वीडियो को भाई पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखो भाई, 5 मिनट का अंदर से वीडियो है भाई, 4 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा का पूरा भाई पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला। आपको सिंपली ऐसा कर लेना है, आपको भाई सिर्फ अपने कपड़े पे ऐसे ब्लैक एंड वाइट कर लेना है अगर वाइट नहीं है तो, और वाइट है तो ऐसे जाना है। उसके बाद से आपको सिंपली भाई मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ये वाला PNG आपको ले लेना है। लेने के बाद से आपको सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद से इसके साइज हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे और एडजस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और स्लाइड करेंगे और ब्लेंड का जो ऑप्शन होता है ना उस पर क्लिक करेंगे और जो मल्टीप्लाई होता है ना, जो मल्टीप्लाई, इस पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग इसके साइज को बड़ा करेंगे सीधा करके, और इसके साइज को हम लोग भाई बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद से कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने हिसाब से आप जैसे मन करे वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैं सीधा एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद से आपको सिंपली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तिरंगे वाले पे क्लिक करके, जैसे तिरंगे पे क्लिक करोगे जो भाई इरेज का बटन आता है ना उस पर क्लिक करके आपको सिंपली इन्वर्ट वाले बटन पे जाना है। इन्वर्ट वाले बटन पे आप जैसे जाओगे ना, आपको रेस्टोर वाले बटन पे जाना है और इसका भाई हार्डनेस पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद से इसका साइज अपने हिसाब से आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ ना कितना अच्छे से हो रहा है, बहुत ही कमाल का एडिटिंग होगा। और भाई मैं लाइट रूम भाई ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो आपको भाई वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो लाइट रूम में कुछ क्या ही इसका इफेक्ट आया, क्या ही अच्छा लगा ना, वो क्या बताऊँ यार, बस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी कुछ होगा आपको। सिंपली आपको देख भाई मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। और भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई प्लीज़ कर दीजिए। कि जैसे कि मेरा भाई जल्दी जल्दी हो रहा है, मैंने भाई फास्ट मोड कर दिया हो तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आपको भी सिंपली ऐसा मतलब कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैं कर रहा हूँ ना भाई, देख रखते हो कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही प्यारा मतलब भाई तिरंगे का कलर आ गया है। आपको कोई भी शर्ट हो ना, कोई भी टी शर्ट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट करके आप सिंपल कर सकते हो, देख सकते हो क्या ही इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद से इसको भाई देख रहा हूँ ना, लाइट रूम में कुछ इस प्रकार का इफेक्ट मैं लाऊंगा, देखो भाई बिफोर आफ्टर भाई क्या ही दिक्कत है। आपको सिंपली लाइट रूम में ओपन करना है, लाइट रूम ओपन करने के बाद से आपको सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली लाइट में जाना है। लाइट में जैसे जाओगे ना, आपको सिंपली लाइट में जाना है। लाइट में जाने के बाद से आपको सिंपली एक्सपोजर रहेगा, एक्सपोजर आपको सिंपली हल्का सा माइनस करना है, इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, जैसे -4 हो गया वैसे मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद से थोड़ा नीचे जाएंगे हम, नीचे जाने के बाद से ना, नीचे जाएंगे तो लिखा होगा भाई ब्लैक, नीचे लिखा है ब्लैक ना, उसको हम लोग थोड़ा सा और भाई प्लस में थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद कलर में जाना है और मिक्स में जाना है, कलर में जाएंगे, मिक्स में जाएंगे और दूसरे वाले कलर पे क्लिक करके सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा माइनस करेंगे यार, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, कि चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आ जाए। उसके बाद से आपको सिंपली हरे वाले बटन पे क्लिक करना है और इसके भाई ये हुए है ना, उसको भाई थोड़ा प्लस करना है और सिचुएशन को हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और येलो वाले पे क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन माइनस कर देंगे। करने के बाद हम लोग बैक आ जाएंगे और नीचे लिखा है सिचुएशन, इसको हम लोग थोड़ा सा प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप देख सकते हो क्या ही कलर आ रहा है, आप जितना चाहे उतना कलर ला सकते हो अपने वीडियो में, तो भाई बहुत ही कमाल का वीडियो लगेगा। और भाई देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है, किसी भी शर्ट या टी शर्ट पर अपना मतलब भाई अपना फोटो लगा सकते हो भाई। ऐसे ही वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।